नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल 2.1 मिलियन व्यू के अंदर स्वागत है। दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ है पेंशनर के लिए। PCDA ने दोस्तों सर्कुलर जारी किया है, जिसके अंदर पेंशनर को आने वाले समय में मिलेगा फ़ायदा। दोस्तों, किन किन पेंशनर को फ़ायदा मिलेगा आज की इस वीडियो में बताया जाएगा आपको, और सरकार ने क्या आदेश जारी किया उसके बारे में बताया जाएगा। दोस्तों, अगर आप पेंशनर हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देख सके। चलिए दोस्तों, जानकारी की तरफ बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं, ये PCDA का ऑफिशियल सर्कुलर नंबर 211 है, डेट 3 मार्च 2020 का है, लेटेस्ट सर्कुलर है। चीफ अकाउंटेंट RBI डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बैंक अकाउंट को भी दिया गया जा चुका है ये, और सभी CDA को और CDA चेन्नई को, PA अकाउंट ऑफिसर्स को, सभी को ये सर्कुलर जो है एड्रेस किया गया, संबोधन किया गया इसको। सब्जेक्ट दोस्तों, इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन फॉर डिफेंस फोर्सेज पर्सनल। जो डिफेंस फोर्स पर्सनल है और डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं दोस्तों, उनके लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, और इनको क्या फ़ायदा मिलेगा इसके अंदर लिखा हुआ है। इन्होंने लिखा है दोस्तों, जो रेफरेंस के लिए जो सर्कुलर नंबर 210 को देख सकते हैं 20 फरवरी वाले को, और ये लेटर नंबर को देख सकते हैं 20 फरवरी 2020 को। दोस्तों, जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो MOD ने जारी किया है कि सर्कुलर, जिसके अंदर ये बताया गया कि जितनी डिसेबिलिटी पेंशन जिनको मिलती है, जो उनके ऊपर टैक्स कट रहा है, तो उसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जो डिसेबिलिटी पेंशन में टैक्स है वो किसी प्रकार से ना लिया जाए। और इसके लिए जो MOD फाइनेंस ने जो लेटर जारी करके CGDO को बताया, भी एक सर्कुलर जारी किया जाए बैंकों को, ताकि जो डिसेबिलिटी पेंशन में जो टैक्स कट रहा है वो टैक्स नहीं कटना चाहिए, और जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं दे देती तब तक के लिए टैक्स बंद कर दिया जाए, और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन होगा उसका जो बाद में जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट देने के बाद ही एक्शन किया जाएगा। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का फाइनेंस का जो लेटर आप देख पा रहे हैं, इनकम टैक्स ऑन डिसेबिलिटी पेंशन ऑफ फॉर डिफेंस फोर्सेज पर्सनल, इसके अंदर यहाँ पे लिखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड ऑर्डर नंबर 30 अगस्त 2019 का जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और यहाँ पर आदेश जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो के जो पेंशन पुराने सर्कुलर है जिसके अंदर दोस्तों जो टैक्स रिकवरी करने के लिए, जो डिसेबिलिटी पेंशन के लिए जो जारी कर रखे हैं सर्कुलर, उसके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है भी टैक्स को अगले हुक्म तक के लिए जो है पेंशनर का वो बंद कर दिया जाए। जो डिसेबिलिटी पेंशन में केवल टैक्स कटता है, बाकी पेंशन का टैक्स तो सेम लगता रहेगा, मगर डिसेबिलिटी पेंशन का जो टैक्स है अभी बिल्कुल बंद हो जाएगा, और जो आपको कटा टैक्स है वो भी आने वाले समय में वापस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद, लाइक कर दें दोस्तों।